सुनने और देखने वालों को मुबश्शर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी है, जिसमें मैंने एक सरपंच से पूछा, मैंने एक जज से पूछा, मैंने एक मैन ऑफ कमिटमेंट से पूछा कि सर, हम मैन ऑफ कमिटमेंट कैसे बन सकते हैं, हम जज कैसे बन सकते हैं, हम एक सरपंच कैसे बन सकते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल सरबरा कैसे बन सकते हैं, हम मैन ऑफ वर्ड कैसे बन सकते हैं। तो उसने बताया, बेटा याद रखें, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, सरबरा बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, अगर आप बड़ा शख्स, बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखें। मैंने कहा, सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले सकते हैं हम? तो उसने कहा, बेटा याद रखो। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम ये छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube Facebook चैनल सक्सेस विद मुबश्शर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, सरपंच से, कि सर हम कैसे बन सकते हैं सरपंच, सरबरा, हम कैसे बन सकते हैं, एक जज कैसे बन सकते हैं, हम वो इज्जत जो एक सरपंच को मिलती है कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा अगर आप जज बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, सरबरा सरदार बनना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखें। मैंने कहा, सर वो कैसे ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे, क्या चीजें हैं, आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं? जो हम अपने अंदर पैदा कर लें, तो हम सरबरा भी बन सकते हैं, सरदार भी बन सकते हैं, हम मैन ऑफ वर्ड भी बन सकते हैं, मैन ऑफ कमिटमेंट भी बन सकते हैं। तो प्रोग्राम को लंबा करना मकसद नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल्स, लोगों को इल्जाम देना बंद कर दें। मैं इसकी तशरीह में नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह ताला कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम, कोई लाइव प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम इस एक एक चीज की हम तशरीह करेंगे। उन्होंने कहा, बेटा लोगों को इल्जाम देना बंद कर दें। उन्होंने कहा, लोगों, बेटा लोगों से एक्सक्यूज करना, कि बिला वजह को बहाने बनाना, लेम एक्सक्यूजेस करना, ये करना बंद कर दें। उन्होंने कहा, बेटा अपने आप से पूछो कि लोगों के ऊपर आपका क्या असर है और लोगों का आपके ऊपर क्या असर होता है, ये अपने अंदर चीज पैदा करो। उन्होंने कहा कि अपने आप से प्यार करें, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट नेगेटिव इमोशन एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई नेगेटिव व्यूज देता है, नेगेटिव एक्शन करता है, नेगेटिव इमोशन शो करता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ समझ के अपने ऊपर सवार नहीं करना, उसको समझना पार्ट ऑफ लाइफ, उसको देखा, फील किया, उसको गेट रिड ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी, स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस, खुशियों को फॉलो करना बंद कर दें। स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद कर दें। फोकस ऑन टेकिंग एक्शन, अगर आप समझते हैं कि यह चीज सही है तो उसके ऊपर फौरन एक्शन लें। हैंग आउट विद द पीपल, याद रखें सिर्फ वही लफ्ज बोलें जो आप कर सकते हैं या जो आपने करना है। याद रखें, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, फॉर एनीथिंग, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखें, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीजें अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, अगर ये चीजें अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो याद रखें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू हो जाएंगे, आप सरदार बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, आपको वो इज्जत मिलेगी जो मैन ऑफ कमिटमेंट को मिलती है, जो मैन ऑफ वर्ड को मिलती है। अच्छा दोस्तों, मेरा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबश्शर नकवी को इजाजत दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी, अल्लाह हाफिज़।